हत्या के इल्जाम में घरेलू नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की है। ये चेहरा पहचाना, जहन की कुछ यादें ताजा हुई आपकी। कौन है ये शख्स, क्यों हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर किस लिए याददाश्त ताजा करने की बात कही जा रही है। चलिए जहन की दीवार पर थोड़ा और जोर डालते हुए अतीत की तरफ चला जाए। नाम सुरेंद्र कोहली, नोएडा D5, निठारी कांड का आरोपी, मानव नहीं दानव। दरअसल निठारी कांड की याद ताजा करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि गाजियाबाद कोर्ट की विशेष अदालत ने कोहली के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की है। नोएडा D5 निठारी, जी हाँ, इसी मकान का घरेलू नौकर, मानव की शक्ल में एक दानव। 5 साल की छोटी एक बच्ची का अपहरण, दुराचार, जुर्म छिपाने के लिए मासूम की हत्या। सुरेंद्र कोहली फांसी की सजा का हकदार बना है। सीबीआई के विशेष जज एस लाल की अदालत इस केस की सुनवाई कर रही थी। कोहली के लिए जज साहब ने मृत्यु दंड की सजा मुनासिब समझी और कर दिया ऐलान इस शैतान के नाम। साल 2005 में निठारी में महिलाओं और बच्चों के सीरियल किलिंग का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था। 19 महिलाएं और बच्चे गायब थे जिनके जिस्म के कुछ अंग D5 कोठी के नजदीक बह रहे नाले से बरामद हुए थे। अपहरण, बलात्कार और हत्या, कोहली पर 19 संगीन मामले सीबीआई ने अब तक की। 16 मामले में चार्जशीट दाखिल, 16 मामलों में से 5वें पर सजा, बाकी 4 में भी कोहली को मिली है सजाए मौत। करीब 6 साल पहले हुआ सनसनीखेज निठारी कांड का अहम सुराग एक मोबाइल फोन के जरिए मिला था। मोबाइल फोन भी किसी और का नहीं था बल्कि 23 साल की एक गायब लड़की का ही था, जिसकी मदद से पुलिस मानव की शक्ल में इस दानव को दबोच पाई थी। गाजियाबाद से बदयू जमा के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। लालच इंसान की इंसानियत को खाक में मिला देता है। जायदाद की ख्वाहिश रिश्तों की डोर को कमजोर कर देती है, अपने दुश्मन बन जाते हैं और फिर जायदाद की चाहत में इंसान इंसानियत की खून का प्यासा बन जाता है, जुर्म का रास्ता अख्तियार करता है, नतीजा सिर्फ और सिर्फ गुनाह। दर्द, तड़प, मातम और बदहवासी सब कुछ दिख रहा है यहाँ। कमरे की हर एक चीज जलकर राख हो चुकी है। बहुत है समझाने वाले लेकिन इस बदहवासी को कोई कैसे संभाले। आंखें रो रो कर पथरा गई हैं, दर्द नासूर बनकर चुभ रहा है, हर तरफ यही मंजर है। यह महिला अपने लखते जिगर के गम में खुद को खो चुकी है, बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। घर के बाहर खड़े हर शख्स का चेहरा खामोश है लेकिन खामोश चेहरों के पीछे कई सवाल जिनका जवाब पाने के लिए आपको भी उस दर्द में शरीक होना पड़ेगा, तड़प को महसूस करना पड़ेगा। दर्द और चीख के बीच अब जरा इस मंजर को देखिए, एक नहीं बल्कि
दो शव जो नफरत की आग में बुरी तरह से झुलस चुके हैं, दोनों दम तोड़ चुके हैं। परिजनों के मुताबिक जायदाद की लालच में दोनों का कत्ल कर दिया गया है। हमारे अल्फाजों पर अगर आपको भरोसा नहीं तो खुद ही सुनिए इस तड़पती और बिलखती आवाज को। मेरे भाई को आग लगा के मार दिया, फांसी लगा दी, और मेरे बड़े बार इनको किसको जेठ हरपाल, और उनको पलंग फ्रिज के पीछे डाल दिया और आग लगा दी, मट्टी के तेल डाल के फिर घूम के अटोल डाल दी। तो कोई रंजिश चल रही है आपकी किस तरह? कोई जगह के पीछे की जमीन है, वो हमारी जमीन है। गाँव में कितनी जमीन है? अब जेल तो पता नहीं, रास्ता के पीछे है, हमारे घर को नवाई के हैं। तो यहाँ क्या करते थे और कैसे? रंजिश तरह रात हमें मारे हुए आए, और अब उनको बुनियादी के अकेले जहाँ दबा ले तो उन्होंने घर पर। लोग दिनेश क्या करते थे? वो टेम्पू पे, एक टेम्पू पे लग रहा है, एक गाड़ी पे लग रही है। देख लिया, सुन लिया, अब तो आपको जरूर यकीन हो गया होगा कि कोई कैसे अपनों के खून का प्यासा बन जाता है। दोहरे हत्याकांड की ये सनसनीखेज वारदात अलीगढ़ के थाना लोधा गांव बिजीतपुर। डॉली का पति हरपाल और छोटा भाई दिनेश दोनों जायदाद की भेंट चढ़ गए। पेशे से ऑटो चालक हरपाल और दिनेश ऑटो चलाकर घर आ चुके थे, और जैसा कि डोली ने अपने बयान में हरपाल के बड़े भाई सतपाल पर आरोप लगाया है कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। डोली के जहन में कई सवाल, क्या था मेरा कसूर, क्यों छीन लिया मेरा सुहाग, मेरे मासूम बच्चे के सर से छीन लिया पिता का साया, कर दिया सब कुछ तबाह। डॉली का सुहाग उजड़ चुका है, गोद में एक मासूम बच्चा जिसके सर से पिता का साया हट चुका है, लेकिन पुलिस के लिए ये वारदात महज एक तफ्तीश। ये रात को ये दोनों दिनेश और हरपाल यहाँ सोते थे, दिन में अपना गाड़ी चलाते और काम करते थे। तो ये गोदाम लाला जी का है, बसंत लाल जी का, तो उसमें ये रात को सो जाते थे। आज किसी वक्त इस कमरे में ये घटना हुई है। अभी तक पता नहीं चला है कि जलाए गए हैं, जल गए हैं, और उसके लिए लाश को भिजवा दिया गया है, दोनों लाशों को, और उसका पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम होगा, जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात से पूरे गांव में कोहराम मचा है, और जैसा कि पुलिस हर मामले के बाद कार्रवाई करती है, वैसी ही कार्रवाई इस जुर्म की दस्तक के बाद भी की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, बयान और सबूतों की बिना पर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। शायद सुराग मिल भी जाए, आरोपियों को सजा भी हो जाए, लेकिन डॉली का क्या, जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपसे चंद सवाल, क्या आरोपियों को सजा मिलने से डॉली के जख्म भर जाएंगे? क्या मासूम बच्चे को उसका पिता मिल जाएगा? अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। खबर सहारनपुर से जुड़ी है। 5 दिन पहले एक कत्ल हुआ था, 28 साल के एक युवक का कत्ल। पुलिस वारदात की वजह और कातिल का सुराग खंगाल रही थी। वारदात के 6 दिन पुलिस के हाथ वो सुराग लगा जिसकी बिना पर कातिल, कत्ल की वजह और हथियार सब कुछ बरामद हो गया। देखिए रिपोर्ट। ये अल्फाज सुनिए। आखिर क्या प्रूफ है कि हमने मर्डर किया है? आखिर क्या प्रूफ है कि हमने मर्डर किया है? सुना कुछ, क्या कहा इस लड़की ने? हम बेकसूर हैं, कोई प्रूफ है हमारे खिलाफ मर्डर का? जी हाँ, पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये लड़की और उसका पिता, नाम है संजना और शेर सिंह। दरअसल दोनों की गिरफ्तारी एक कत्ल अंजाम देने के लिए की गई है, वो साजिश जो 18 दिसंबर के दिन अंजाम दी गई थी। शातिर बाप बेटी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर आराम से बैठे थे, लेकिन किसी ने सही कहा है कि अगर पुलिस ठान ले तो अपराधी पाताल से भी ढूंढ निकालती है।
और यही कुछ संजना और उसके पिता के साथ भी हुआ। संजना, शेर सिंह और उसके मामा अमरनाथ ने एक साजिश रची, उस शख्स की हत्या कर दी जो संजना का आशिक था, संजय शर्मा, जिसकी उम्र महज 28 साल थी। सहारनपुर की रहने वाली संजना प्यार करती थी, संजय और संजना का इश्क परवान चढ़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार का वो रंग फीका पड़ता चला गया। संजना संजय से दूर होना चाहती थी, लेकिन संजय नहीं चाहता था कि संजना से किसी भी कीमत पर साथ छूटे। तारीख 18 दिसंबर 2012, संजय संजना से मिलने घर पहुंचा। संजना, शेर सिंह और मामा अमरनाथ इज्जत की खातर झुलस रहे थे। संजय बाज नहीं आ रहा था, बस संजय की मोहब्बत उसकी मौत का सबब बन गई। संजय का कत्ल कर लाश इलाके के एक नाले के पास फेंक दी गई। मृतक ये भी उनके संपर्क में आया हरिद्वार में, और शेरा सिंह की लड़की से इसके संबंध मधुर हो गए और घर पे आना जाना हो गया, जिसके कारण शेरा सिंह को ये चीज बुरी लगी और उन लोगों ने मिल करके अपनी बेइज्जती करके सुनियोजित तरीके से लड़की और शेरा सिंह ने इसको हत्या किया है मिलकर। संजय का कत्ल हुए 3 दिन बीत गए। तारीख 22 दिसंबर 2012, पुलिस ने संजय का शव बरामद किया, शिनाख्त हुई और पुलिस जुट गई सुराग खंगालने के लिए। तारीख 23 दिसंबर 2012, पुलिस को मिली कामयाबी, संजय के कातिल चढ़ गए हद से, प्रेम प्रसंग बन गया हत्या की वजह। कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई तो पता चला मामला प्रेम प्रसंग का था। संजना, उसका पिता शेर सिंह और उसका मामा अमरनाथ साजिश के मास्टरमाइंड थे। संजय का कत्ल कर उसकी लाश फेंक दी गई थी। ये हरिद्वार में फेरी, कपड़े की फेरी लगा करके काम करते थे और लड़का वहाँ पे फोटोग्राफर था, लड़का वहीं फोटोग्राफर था और इस तरह से वो लड़की के संपर्क में आया। किस तरह से हत्याकांड को इन्होंने अंजाम दिया? इन्होंने वहाँ पे पहले मारा और जब वो नहीं मरा तो उसको लेकर के आए यहाँ और यहाँ पे मार करके नाले में सुरक्षित जगह दे करके डाल दिया। कितने लोग इसमें शामिल रहे सब? इसमें कुछ और अभियुक्त हैं, 2-3 अभियुक्त थे, 2 गिरफ्तार हो गए हैं, 1 की गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के हत्थे चौड़ने के बाद संजना खुद को बेकसूर बता रही है, अपने पिता शेर सिंह से लिपट लिपट कर रो रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या, जिस जुर्म की इबारत इन्होंने लिखी है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। साथ ही पुलिस फरार संजना के मामा अमरनाथ की तलाश में जुटी है ताकि साजिश में शामिल तीसरा अपराधी भी जल्द दबोच लिया जाए। लेकिन एक सवाल, आखिर ये कैसा प्यार था? फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक शैतान की घिनौनी करतूत। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। रजनीगंधा
मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयां, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, एक माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार, गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित